गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप कि आप सब बढ़िया होंगे यार। बाकी कुछ टाइम हो रहा है, अभी 3 बज रहे हैं और मैं ना मतलब आज भी लेट उठा था, क्या 12 बजे उठा था। तो अभी क्या है, 4:30 तो जिम जाना, उससे पहले ना जरा ऊपर चलते हैं। अभी क्या है, मैं ऊपर आया हूँ और पता है किस लिए आया हूँ? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को क्या है, पतंगों पर नाम लिखना है, अपने चैनल का नाम लिख के उड़ाएंगे आज। सो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा फ्री हैं तो ये कर लेते हैं। ये चल चल, वो ही हमारी काइट्स, इनको लेके चलते हैं। इन पर नाम लिखेंगे अपना चैनल का, तुषार गुप्ता ब्लॉग्स, है ना, जिससे कि किसी के घर पे कट के जाए तो पता चल जाए यार किसकी पतंग आई है। ये कुछ पतंगे ले ली मैंने और इसमें मुकेश वाली पतंग भी है, दिखाऊँ आपको। पीछे की साइड है देखो, ये मुकेश वाली पतंग जिसका कल हमने ट्रीटमेंट किया था। सब पे नाम लिखेंगे मार करते, है ना, तुषार गुप्ता ब्लॉग्स का। चलते जल्दी से नीचे। गाइस काइट्स मैंने यहाँ पे रख दिए, मम्मी ब्लॉग ही देख रही थी मेरा कल वाला। तो गाइस देखो, मम्मी लिख रही है इस पर तुषार गुप्ता ब्लॉग्स। हाँ ठीक है, ये कैसे लिखा है, ब्लॉग ब्लॉग ऐसे उन्होंने लिखते, VLOG खाली आई नहीं आएगा, ब्लॉग ऐसे हो जाएगा VLOG। आया ना उनको स्कूटी की चाबी देते थे, वहाँ टक रही होगी ये तो, नहीं ले ले अब तो, क्या बात है उतार लेता है। तो कहते अभी है ना क्या थी ना, मैं जिम ही जा रहा हूँ और अभी क्या है, पापा और शिव कुमार भाई कहीं जा रहे हैं, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। तो कोई नहीं, वैसे 4:30 हो गए थे तो कोई बात नहीं, 5 बजे चले जाऊँगा आज, अब क्या करूँ। क्योंकि गाइस बुलेट मेरी है कबाड़ा है, बिल्कुल यार कबाड़ा तो कह सकते हैं यार, वैसे ठीक है बट वो यार क्या है, धोखा दे देती है, उसको स्टार्ट ना करो ना। हेलो गाइस, मेरा न्यू पजामा, वही वाला पजामा इसको चाचा ने दिया, चाचा के छोटा आ गया तो चाचा ने मेरे को दिया और मेरा इसका साइज सेम ही है लगभग। तो अपन है ना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन चलते हैं क्योंकि यार ज़्यादा टाइम फिर वेस्ट करेंगे तो फिर आ नहीं पाऊंगा मैं, फिर मैं लेट आता हूँ तो फिर उड़ा के पतंग की वीडियो बना नहीं पाता मैं यार, क्या करूँ। इसलिए चलते हैं जल्दी से, है ना, मैं जिम होके आता हूँ, जल्दी ख़त्म कर लूँगा 1 घंटे में एक्सरसाइज, उसके बाद मिलते हैं आपसे 6 बजे करीब। अभी तो जिम चल रहा, पहले जिम मिलते हैं अपन, है ना। मेरी टी शर्ट ये पड़ी यार, गंदी हो जाती है ये, क्योंकि ये बढ़िया लगती है मेरे को और ये जिम की है बेसिकली मेरी। A few moments later. ये गाड़ी हमारी स्कूटी, ऐसे पर भाई चाबी कहाँ पे है, पापा भैया अंदर चाबी ले जाऊँगा, चलते हैं फिर, है ना, जिम में मिलूँगा आपसे मैं, है ना। स्कूटी साफ पड़ी है, क्या बात है यार, ऐसे पर भाई ठीक है, चलते गाइस जिम में मिलूंगा आपसे, ठीक है, क्योंकि कोई तो है नहीं रिकॉर्ड करने वाला, तो मैं अकेला ही जाता हूँ। तो लेट्स गो। 20 minutes later. फाइनली जिम पहुँच गया मैं और एक बकरा खुला पड़ा है, जो डर लगता है, एक बार इसमें कुत्ते को उछाल दिया था भाई, तब से वो डर लगता है इससे। चलते हैं अपन जल्दी से ऊपर अपनी जिम में, ठीक है भाई, ऊपर ही आ गए, मैं सुन सकता हूँ गाने के बाद से पहचान लेता हूँ मैं आए नहीं आए। टूट गया, अंदर चलते हैं एक्सरसाइज से मिलवा दो भाई। Few moments later. गाइस बहुत ही गलत सीन हो रहा, बहुत ही गलत सीन मेरे साथ यार, मैं कुछ मतलब मील खा के नहीं आया, दैट्स वाई मेरे को चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा यार, मेरे से वेट नहीं मारा जा रहा है, तो मैं क्या है घर ही जा रहा हूँ क्योंकि बेकार है, चक्कर आ रहा है जैसे, तो घर ही चलते हैं यार, पता नहीं क्या हो गया यार, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा वैसे आया था मैं, वेट वेट थोड़ा बहुत मार रहा, चक्कर आने लग गए एकदम से यार, कल से कुछ खा के आऊँगा, मैंने खाना वाना नहीं खा रहा खाना, दैट्स वाई शायद अब भी चक्कर ही आ रहे हैं मेरे को। तो जल्दी चलते हैं घर पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर देखते हैं। अभी ये देख लो दिन ही ख़राब है इसका, तो एक्सरसाइज कुछ कर नहीं पाया मैं, पकड़ा देखो भाई तो डर लगता है, टक्कर मार रहे सारे। तो आज मिलता हूँ फिर आपसे घर पे यार, ठीक है ना, भाई चलते हैं घर पे, मिलूँगा आपसे, देखता हूँ कुछ खाना वाना खा लूँ, शाम को आ जाऊँगा जिम करना, क्योंकि यार पता अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा हो रहा है मेरा मन मन। 3 minutes later. पता नहीं यार भाई किसकी नज़र लग रखी है यार तुम्हारे भाई को, जैसे जैसे थोड़ा बहुत ठीक होता है वैसे ही कुछ ना कुछ होता है यार, मतलब इतना ज़्यादा हेडेक हुआ मेरा, मतलब मैंने यही सोचा यार कि याद है नहीं तो अंदर सब होंगे पूछेंगे इतनी जल्दी कैसे आ गया आज, तो चक्कर आ रहे थे जिम में तो आ गया, कुछ खाया नहीं मैंने, क्या करूँ भूल गया, अब मैं जैसे मार रहा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी मैं, चक्कर आने लग गए बहुत तेज, थोड़ा बहुत खाना वाना खाया ना घर पे आके, अब थोड़ा ठीक भी लग रहा है भाई, एक तो मैं तो बोल रहा था नहीं हुआ क्या, चक्कर से आने लगे थे भाई, चलो खाना खाया अभी, चावल वगैरह खाए थे मैंने, और देखते हैं थोड़ा ठीक हो जाए फिर भी व्लॉगिंग करेंगे कौन, अभी कुछ टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यार यहाँ पे पतंग का क्रेज ज़्यादा है तिलुकपुरी में, तो हमने बोला हम भी थोड़ी पतंगबाजी कर लेते हैं, तो अभी क्या छत पे चलते हैं और देखते हैं कितनी पतंग काटेंगे कितनी कटवाएंगे, तो जल्दी से चलते हैं पतंग लेके आना जो भी है अपनी। गाइस ऊपर ये पतंग ले ली मैंने, इसे देखो अपना चैनल का नाम भी लिखा है, मैं नहीं मम्मी ने लिखा था,
उड़ाएंगे इसी को। A few moments later. फिलहाल आप देख सकते हैं छत पे आ गए हम और आ जाना वैभव पतंग उड़ाना सिखाएगा आपको। ओए पागल है क्या, टूटेगा ऐसे? किसको बना, किसने बना दिया इसको पतंग वाला चूतिया को? टेपिंग कर लो वैभव भाई पहले तो। गाइस वो बात अलग है, सिखा देगा मगर इसको कुछ पता नहीं है पतंग के बारे में। हाँ हाँ करने करके मैंने दिया है इसको फिलहाल तो, अभी टेपिंग कर देता क्योंकि हवा तेज है। ठीक है सो आप भी टेपिंग कर लो, जब पतंग वाला हवा तेज हो ना पतंग में टेपिंग जरूर कर लेना। सो गाइस अभी वैभव सिखाएगा उड़ाने, मंजन ने थोड़ा सा लगाया क्योंकि पेचे से इसको करने आते नहीं है सो ये मंजन जन लगा रहा तो अभी ये सिखाएगा। मनी हटा दियो, टेप हटा दे रास्ते में से। चलो वैभव भाई पहले क्या करना है, मनी हट जा दूर से हट जा। वैभव उड़ा रहे हैं इसे तो हाथ कटना है, ऐसी हवा में हाथ कटता ही कटता है। हट जा मंजा, बहुत तेज जा रहा है बोरी पतंग। सो गाइस देखो पतंग वैभव उड़ा ली भाई, मतलब बिल्कुल प्रो हो गया इस वक्त पतंग उड़ाने में। बाकी ये सब रखा है थोड़ा बहुत सामान, मन ये पतंग साइड कर दें तो उड़ के भग जाएगी पता नहीं चलेगा। आगे काटी थी उस बंदे ने वैभव की अभी, तो देख सकते हो आप गाइस मतलब वैभव पतंग उड़ाने आती है इसको, ऐसी बात नहीं है। रहन दे यार मंजा कम है तेरा बहुत, हाथ से उड़ा रहा है अभी, उतार ले थोड़ी, उतार ले नीचे रख, नीचे रख, ऐसे क्या करेगा? आई को वो काट दी, रुक जा वो काट दी। इससे लड़ा, इससे लड़ा, इससे लड़ा, इससे लड़ा, इससे लड़ा। Few moments later. तो भाई देखो ये मुकेश की, इन्हें किडनी तोड़ दिया, मतलब देखो मुकेश की किडनी तोड़ दी है, अब इसकी नई किडनी लगाई जा रही है। देखो पूरे में, देखो पूरी किडनी तोड़ दी मुकेश की। बेचारा मुकेश का सच में यार दिन खराब रहता हमेशा। उस दिन एक मुकेश उधर जाके मर गया, वो तो नहीं रहा, ये वाला दूसरा मुकेश है, इसकी ने किडनी तोड़ दी, सर में मारी ऐसा फटाक, टप्पा आ जाए मेरी शक्ल देख रहा, फिर बोला मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। ओ भाई करो अब ठीक, अब ये ना खैच की रही पतंग ना किसी चीज की रही, बस हो गया हो गया। मैंने तो ऐसे तीन पेचे काट दिए और एक कट वाली फिर अपनी। अबे लकड़ी पकड़ ले। अब मुकेश को ट्राई कर रहे कि मुकेश उड़ता है कि नहीं, देखते हैं मुकेश उड़ेगा कि नहीं। मैंने बाकी तो ये डोर पकड़ रखी है, ये बना रहा हूँ मैं। और ये मुकेश वापस से जिंदा होता हुआ, वाओ मुकेश बच गया, ये अभी पेचे आएंगे तब करूँगा। जब से एक ही पतंग से को लड़ा है मैंने, आई बॉय फिर भी काट दी वो भाई उसकी, कितना रहता है 9 पेच काट दे पूरे एक पतंग से। 9 पेच भाई, 9 पेच पता नहीं क्या मजा आता, घर से आके बढ़ाते नहीं है। मैं भैया लड़ा ले यार, ओ, ओ काले गुड्डे आई बॉय मौका दे दिया ना हमें, मौका दे दिया ना हमें खींचने। अबे फंसा के डील जोड़ते हैं ऐसी। आई तो गाइस एक लड़ान दे यार, बस पेच आ गया है बाबू का, लंबी कर इससे थोड़ी सी अपनी, बड़ा लंबी कर भाई, खींच से कटेगी इसकी, ध्यान धर लियो। ढील दे ढील दे ढील दे ढील दे ढील दे, आई बॉय काट दी, ओ काट दी, ओए काट दी, क्या बात है ये बात से काट दिया भाई। मैं बोल रहा था ना ढील दे, हाँ। तू खैच देता बेटा जाती तेरी। ओ भाई फाइनली भाई, एक तो एक एक पतंग में भी नहीं डाला, अभी भी नहीं डाला, ये लोग घर से आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। ओ हो गए छोटू से पीछे, हो गए छोटू में डाल ली ढील और छोटू की गई नहीं गई, अच्छा गई क्या, नहीं गई, छोटू हटा रहा अपनी पतंग। लड़ा रहा तो था ये, मेरे को क्यों देखे जा रहे हैं, घर में घुस के लड़ाऊंगे ये, बार बार मेरे को क्यों देखे जा रहे हैं लोग, ये देखो वो मेरे को क्यों देखे जा रहे हैं बार 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 ऐसे देख रहे हैं मुंडी घुमा के, पागल वागल है क्या? तो ऐसा भी इससे पेचे लड़ रहा अपने, देखते क्या होता है। आज इतना प्यारा मौसम है यार, कसम से मजा आ गया। लड़ा किससे रहा तू ये तो बता। कच्चा
अब इसकी डोर इधर ही है क्या? सदी में से खेच रहा, सदी में खेच रहा, सदी में से तो गाइस चलो नीचे चल रहे हैं। अब बहुत टाइम हो गया, फिर रात भी हो गया। उन भाई उन बंदों के तो तीन तीन पेचे काटे, मतलब भाई देख रहे हो, मतलब उन्होंने हमारा एक काटा होगा, एक या दो दो काटे थे। तुम्हारे भाई को गुस्सा चढ़ा, सही बताऊं तो भाई तीन तीन पेचे काटते। ये पतंग बढ़िया हमारी बेटा, बिलासी आए पतंग मेरे लिए, एक तरह से बिलासी गए पतंग। ओए इधर दिखा दे। A few moments later, वाकई मैं कर रहा हूँ व्लॉग को एंड। ओके, आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाकी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ठीक है। और व्लॉग देख लिया करो, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि उससे क्या है, मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास। मिलते हैं फिर।